قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کر پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بزرگوں ساریاں تعریفاں اس سونے رب واسطے نے جو جس طرح جاندا ہے जीवें चांदा है जिन्ना चांदा है जेंज चांदा है ओ कर लेंदा है इज्जत देना चावे ते बन बन लो कोई डक नहीं सकदा जलील करना चाहे ते सारे कोशिश कर लो बंदा मुअज्जिज हो नहीं सकता भुख मिटावना चाहे ते रोटी दी लोड़ नहीं पेंदी प्यास बुझावना चाहे ते पानी दी लोड़ नहीं पेंदी मारना चावे ते बंदा टुरदा फिरदा मरिया रहिंदा है जिंदगी देना चावे ते ताड़ कर बला विच होवे सिर नेजे दी नोक ते होवे फिर भी कुरान पढ़दा है मेरे भाइयों अपनी मर्जी नाल जिंदा चांदा है जेंच चांदा है जीवे चांदा है ओ कर लेंदा है उने दिहाड़े बनाए वखो वख महीने बनाए वखो वख साल बनाए वखो वख ते हर साल का हज हजे अकबर नहीं होता हर महीना रमजान नहीं होता हर दिहाड़ा जुमा नहीं होता ते बंदे सारे हुसैन भी हो सकते मेरे बजुर्गों ये मेरिया टिलियां मिठिया मिठिया गल्ला समझ आ रही ने मेरे बुजुर्गो खिताब ते तुसी सुनी बैठे हो ते मेरे तो बाद भी सुनोगे मैं ते तुहाडे सारिया भाई बुजुर्गों वास्ते दुआ करन आया ते चलो आज जेड़ा बीमार है जेड़ा बे औलाद है जेड़ा कारोबार की वजह तो परेशान है इंशाअल्लाह आज हजूर के जिक्र के सदके
अल्लाह पाक सारे मेरे भाई बुजुर्गां दियां तमाम परेशानियां दूर कर देगा। ये मेरे भाइयों कबूलियत दा वेला है, जरा हाथ चुको ना, दुआ करिए। ऐ अल्लाह, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, अजमत का वास्ता, जमाल का वास्ता, कमाल का वास्ता, तुझे ताजदारे खत्मे नबुव्वत का वास्ता, अबू बकर की सदाकत का वास्ता, उमर की अदालत का वास्ता, उस्मान की सखावत का वास्ता, मौलाए अली की शुजाअत का वास्ता, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला खातून जन्नत जनाबे फातिमा तो जहरा के पर्दे का वास्ता, बीबी आमिना की इज्जत का वास्ता, मौला तुझे इमाम हसन हुसैन की शहादत का वास्ता, आले रसूल का वास्ता, शहदाए करबला का वास्ता, करबला के बीमारों का वास्ता, मौला तुझे नबी की नबुव्वत का वास्ता, अली की विलायत का वास्ता, बतूल की अजमत का वास्ता, हसन की इमामत का वास्ता, सादिक के पाक दिल की सदाकत का वास्ता, रजा की रिजायत का वास्ता, मौला बहुत बड़ा वास्ता, तुझे ताजदारे मदीना का वास्ता, मौला तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता, अनायत का वास्ता, हजूर की शिफात का वास्ता, मौला बहुत बड़ा वास्ता, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मौला तुझे इश्क़े ज़ुलेखा का वास्ता, हुस्ने यूसुफ का वास्ता, हल्के असगर का वास्ता, बाज़ुए हैदर का वास्ता, गमे ईसा का वास्ता, हैबत मूसा का वास्ता, मौला तुझे तमाते नबी शहरे सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा वालिदे हसनैन शुजात के इंतहा सदीक के दिल पर उमर के प्यारे उस्मान के दुलारे अली अल मुर्तजा का वास्ता, मौला तुझे पंदन पाक बारह इमाम चौदह मासूम बहत्तर शहीद करबला शाम दे और सफरां दियां थकियां होईयां बीबियां का वास्ता, मौला तुझे बत्तीस साल बाद अपने बाप से मिलने वाले हजरत यूसुफ का वास्ता, मौला तुझे नामे मोहम्मद का वास्ता, बहादुर अली का वास्ता, लाडले हसन का वास्ता, शहीद हुसैन का वास्ता, अलमदार अब्बास का वास्ता, जवाने अकबर का वास्ता, प्यासे असगर का वास्ता, दुल्हे कासिम का वास्ता, समीए करबला का वास्ता, करबला के बीमारों का वास्ता, अम्मा फातिमा के पर्दे का वास्ता, मौला आज जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग इस महफिल में तशरीफ फरमा है, मौला जो बीमार है उसको शिफा अता फरमा, जो कारोबार की वजह से परेशान है उसको अच्छे से अच्छा कारोबार अता फरमा, मौला जो बे औलाद है उसे नेक सही बे औलाद अता फरमा, मौला आज जो मेरा भाई बुजुर्ग जिस वजह से भी परेशान है, मौला सब के तमाम दुख व दर्द दूर फरमा। मेरे भाइयों, मैं तो आप सब के लिए इस नए महीने में दुआ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह पाक आप सब की तमाम परेशानियां, माशाल्लाह मेरे भाइयों, ये बड़ा ही बरकत महीना चल रहा है, ये सुलहज का महीना हमारे बरकतों वाले महीनों में से एक महीना है। इसमें अल्लाह पाक ने हज और कुर्बानी ये दो बड़े अमल अदा करवाए हैं। पूरी दुनिया से बंदे इस महीने में हज करते हैं,
और फिर नामे आका कुर्बानी करते हैं। और अल्लाह पाक ने इन आयाम की कसम उठाई, फरमाया वल फज्र वल लयालिन अशर वशफ्अ वल वतर वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। ये मेरे भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल फज्र, मुझे कसम है फज्र की। अब इससे मुराद 10 तारीख की सुबह को, यानी कुर्बानी की जो सुबह है, अल्लाह पाक ने उसकी कसम उठाई। वलयालिन अशर, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकम से जो 10 ज़िलहज की रातें हैं, अल्लाह पाक ने उनकी कसम उठाई। वशफ, और ये अल्लाह पाक ने इन 10 दिनों की कसम उठाई। वल वत्र, और ये अल्लाह पाक ने 9 तारीख की कसम उठाई। वल लैल इज़ा यसर, और ये अल्लाह पाक ने 9 और 10 के दरमियान की रात की अल्लाह पाक ने कसम उठाई। किसी भी टाइम की, दिन की, महीने की, साल की, इस तरह खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक ने कसम नहीं उठाई जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 10 दिन रातें, 9 का दिन, 10 का दिन, 10 की रात, 10 की सुबह। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि इन 10 दिनों में अल्लाह पाक को जितनी इबादत पसंद है ना, और किसी भी दिन पसंद नहीं। और ये हकीकत है, इन 10 दिनों में सबसे बड़ी इबादत हज है, जिसको अल्लाह पाक नसीब फरमाए और जिसके मुकद्दर में फरमाए। हज इन 10 दिनों में सबसे बड़ी इबादत है। अराफात की एक दिन की हाजिरी, मेरे भाइयों मेरी बात की समझ आ रही है? अराफात की एक दिन की हाजिरी वो 10 लाख दिन की हाजिरी है, 1 लाख दिन की इबादत के बराबर होती है। और अराफात की दिन की हाजिरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान होता है कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम इतने गुनाह लेकर आओ जितने बारिश के कतरे, जितने रेत के जर्रे, जब से टाइम हुआ शुरू हुआ है उसमें बनने वाले दिन और रात में गुनाह करो और यहाँ आकर तौबा करो। फरमाया मैं सब माफ कर दूंगा। और अराफात के दिन जितना शैतान जलील होता है, इतना किसी भी दिन जलील नहीं होता। और मेरे भाइयों, इन 10 दिनों में अल्लाह पाक जिसे हज नसीब फरमा दे, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। हाँ, अगर हज नसीब नहीं है फिर इन 10 दिनों में नामी का रोजा रखना, इन 10 दिनों में रोजे रखना, नवाफिल की कसरत, सदके की कसरत, ये सारे आमाल इन 10 दिनों में इंतहाई महबूब है। मेरे भाइयों, इन 10 दिनों में सबसे बड़ी इबादत हज है कि बंदा जाए, अपना घर बार छोड़े, अपने बाल बच्चे छोड़े, अपना माल खर्च करे और जाकर अल्लाह के घर खाना काबा की जियारत करे। ये भी बड़ा सवाब का काम है। और जिसने खाना काबा की जियारत की, कल कियामत वाले दिन खाना काबा उसकी शफाअत करेगा। जी, खाना काबा उसकी शफाअत करेगा, खाना काबा। मेरे भाइयों, एक हदीस पाक में है कि हजरत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौरात शरीफ में है कि कल कियामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने 7 लाख मुकर्रम फरिश्तों को भेजेगा,
जिनमें से हर एक के हाथ में सोने की जंजीर हो। और अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों जाओ और इस जंजीर में खाना काबा को बांध कर खींच कर ले आओ। तो फरिश्ते जाएंगे, खाना काबा को बांध कर खींचेंगे, तो फिर एक फरिश्ता कहेगा ऐ काबा तू ना चल। तो काबा कहेगा कि मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो जाए। तो फिर फजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा ऐ काबा तू सवाल कर, तुझे अता किया जाएगा। तो फिर काबा बारगाह इलाही में अर्ज करेगा कि ऐ मौला तो मेरे इर्द गिर्द दफन तमाम मोमिनों की मगफिरत फरमा। तो फिर हजरत सैयदना वहब बिन मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काबा के इर्द गिर्द मदफून मुसलमानों को उठाया जाएगा, उनके चेहरे सफेद होंगे और वो एहराम की हालत में होंगे, और काबा के गिर्द जमा होकर तल्बिया यानी अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे होंगे। फिर एक फरिश्ता कहेगा ऐ काबा अब तो चल। तो काबा कहेगा कि मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल ना हो जाए। तो फिर काबा बारगाह इलाही में अर्ज करेगा कि ऐ मौला तेरे बंदे इतनी दूर दूर से इकट्ठे होकर गर्द गुबार होकर मौला इन्होंने तेरे हुक्म के मुताबिक मनासी के हज अदा किए, मेरी जियारत की, मेरे चक्कर लगाए, मौला तू उन मुसलमानों के हक में भी मेरी शफाअत को कबूल फरमा और उन सब को मेरे गिर्द जमा कर दे। तो फिर एक फरिश्ता कहेगा ऐ काबा उनमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद फिर गुनाह किए और अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर दी। तो काबा अर्ज करेगा कि मौला बस तो उन मुसलमानों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो बारगाह इलाही से आवाज आएगी कि ऐ काबा हमने तेरी इस दरख्वास्त को भी कबूल किया। तो फिर एक फरिश्ता निगाह देगा कि जिसने खाना काबा की जियारत की थी वो और लोगों से अलग हो जाए, तो वो काबा के गिर्द जमा हो जाएंगे और वो जहन्नम से बेखौफ होकर तल्बिया पढ़ेंगे। फिर एक फरिश्ता कहेगा कि ऐ काबा अब तो चल। तो काबा इस तरह तल्बिया पढ़ता हुआ चलेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक والخير كله بيدك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। तो फिर फरिश्ते खाना काबा को खींच कर मैदान महशर में ले जाएंगे। तो मेरे भाइयों अब ये शान है खाना काबा की ज़ियारत की, अल्लाह पाक खाना काबा की ज़ियारत की बरकत से बख्शिश के परवाने नसीब फरमाता है। तो अब जिसको अल्लाह पाक ने माल और दौलत से नवाजा है उसे चाहिए कि वो जरूर हज करे। जो नेक नियत से हज करने जाता है ना अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा देता है। एक हदीस पाक का मफहूम है मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा हज करके वापिस आए तो फरमाया कि उससे सलाम व मुसाफा करो और उससे अपने मगफिरत की दुआ करवाओ क्योंकि उसकी मगफिरत हो चुकी होती है। मेरे भाइयों क्या शान है खाना काबा की ज़ियारत, अल्लाह पाक खाना काबा की ज़ियारत की बरकत से बख्शिश के परवाने नसीब फरमाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि हज करो क्योंकि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जिस तरह पानी महल को धो देता है। फरमाया कि हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा और फरमाया कि हाजी गुनाहों से ऐसे पाक होता है गोया के वो आज ही
अपनी माँ के पेट से पैदा होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हाजी से खुश होता है, हाजी की दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। एक और हदीस पाक का मफहूम है, मेरे करीम नबी ने फरमाया, मन फारा कबरी वजा बतलहु शफाअती, फरमाया कि जिसने मेरी कब्र मुबारक की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मेरे भाइयों, अब ये ज़ुलहिज्जतुल हराम का महीना, इसमें हज का भी मौका मिलता है, सरकार के रोज़ा पाक पर भी हाजिरी नसीब होती है, हजरत असद के पोसे भी नसीब होते हैं, तवाफ़े काबा का भी मौका मिलता है। तो अब जिसको अल्लाह पाक ने मानो दौलत से नवाजा है, उसे चाहिए जरूर हज करे, सरकार के रोजा पाक की ज़ियारत करे। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जिसके पास इतनी इस्तेदात है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो हज या उमरे पर जा सकता है, लेकिन वो सुस्ती की बिना पर नहीं गया, फरमाया कि चाहे तो वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह हज ना करने का। तो आजकल मेरे बहुत से ऐसे भाई बुजुर्ग हैं कि जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मगर वो महज सुस्ती की बिना पर हज और उम्रे पर नहीं जाते। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसी सुस्ती से बचना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी सुस्ती से बचाए रखे। मेरे भाइयों, मेरी बात की समझ आ रही है? जरा सुभान अल्लाह तो बोलो ना। तो मेरे भाइयों, आज ये जो इज्जत खानगढ़ के हिस्से में आई है ना, ये मोहब्बत की आग सहाबा ने खुद गड़काई है। मेरे भाइयों, ये पल्ले हमारे कुछ भी नहीं है, हमारा दामन इलम से भी खाली है, अमल से भी खाली है और अकल से भी खाली है। हम में से हर बंदा दरे रसूल का सवाली है। मेरे भाइयों, माशाल्लाह आज की ये महफिल मेरे भाई जुबैर और भाई उमैर ने मिलकर सजाई, बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भाई जुबैर और भाई उमैर को हमेशा खुशहाल व आबाद रखे, और अल्लाह पाक इनको अगले साल इससे भी बड़ी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए।